हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। अब आज का वीडियो सिड्स बाथ के बारे में है। सिड्स बाथ के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया था, बट उसको बना के लगभग 2 साल हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि अब इस वीडियो को अपडेट कर देना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता था, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये नया वीडियो है। अब सिड्स बाथ क्या होता है? सिड्स बाथ एक बहुत ही ईजी टू डू टेक्निक है, जिसके की वजह से आप अपने फिशर और पाइल्स, मेनली इन दो बीमारियों के सिम्टम्स को घर बैठे ही रिलीव कर सकते हैं। ना कि सिर्फ ये बहुत ईजी टू डू है, ये सस्ता और बहुत ही कन्वीनियंट तरीका भी है अपने सिम्टम्स को दूर करने के लिए। आपको कोई इसमें स्पेशल चीज़ खरीदनी नहीं होती है, मेजॉरिटी चीज़ें घर पे अवेलेबल होती है। हो सकता है आपको कोई प्लास्टिक का एक टब लेना पड़े बड़ा सा, जिसमें कि आप बैठ पाओ। उससे ज़्यादा तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लेने की या करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं साथ ही आपको ये बता दूँ कि सिड्स बाथ कोई कंप्लीट क्योर नहीं है पाइल्स का या फिशर का या किसी और बीमारी का। ये सिर्फ एक सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि एक टेम्प्ररी ट्रीटमेंट है आपकी इमीडिएटली सिम्टम्स को कम करने के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा समय मिल जाए डॉक्टर के पास जाने के लिए और सही ट्रीटमेंट लेने के लिए। बिफोर वी गो अहेड, आप प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ये मेडिकल वीडियो है, इसको आधा अधूरा मत छोड़िए एंड पूरी चीज़ समझ के ही वीडियो ख़त्म कीजिए। और जिन और भी लोगों को आपको लगता है कि ये इससे मदद हो सकती है, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए और उनकी भी मदद कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानना है। वॉट इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग सिड्स बाथ? सिड्स बाथ करने का सही तरीका क्या है? तो सिड्स बाथ करने के लिए आपको एक टब की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी बड़ा सा टब जिसमें कि आप बैठ पाओ। उसमें आपको नहाने के पानी जितना गर्म पानी डालना है और उसमें आपको बैठ जाना है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत लोग मिस कर देते हैं, बैठने के बाद आपकी जो मसल्स हैं, जो आपके संडास वाले एरिया की मसल्स हैं, जो एनल मसल्स हैं, उनको टाइट और लूज करना है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, जिसके कि कारण वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ पाए और वहाँ पे जो आपको पेन की तकलीफ हो रही थी, जो वहाँ पे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्टेड थी वो रिलैक्स हो पाए, तो ओवरऑल आपके सिम्टम्स कम हो पाएंगे। अब सिड्स बाथ आपको कितनी बार करना पड़ेगा? सिड्स बाथ आपको कम से कम दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए उसका इफ़ेक्ट दिखने के लिए, और कम से कम 10 से 15 दिन तक आपको ये रेगुलरली करना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हैं कि सिड्स बाथ की आप पूरी यूज़ कर रहे हैं और आपके सिम्टम्स धीरे धीरे आपको कम होते हुए दिखने लगेंगे। सिड्स बाथ कौन कौन कर सकता है? तो जैसा कि मैंने बताया, पाइल्स और फिशर के पेशेंट सिड्स बाथ यूज़ कर सकते हैं। हाउ एवर, और भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिनमें सिड्स बाथ यूज़ की जा सकती है, जैसे कि फीमेल्स में आपकी कोई वजाइनल सर्जरी हुई है, जैसे हिस्टेक्टमी वगैरह, तो उन केसेस में भी सिड्स बाथ उनको हेल्प कर सकती है। अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो सिड्स बाथ करने के लिए अलग से टब्स भी आते हैं, जिनको कि आप वेस्टर्न स्टाइल कमोड पर रख सकते हैं और उनको भी आप यूज़ करके ज़्यादा ईजी तरीके से सिड्स बाथ कर सकते हैं। अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या उस पानी में कुछ डालना चाहिए, तो एज अ डॉक्टर मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को उस पानी में कुछ भी डालने के लिए मना करता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा डेटॉल डालना अलाउड है पानी में। पोटेशियम पर मैग्नेट ऐसा कहा जाता है कि डालना चाहिए, या अलग अलग और भी केमिकल्स हैं जो कि अलग अलग डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। हाउएवर, इन सब चीज़ों से आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया, और इनमें कैसा है कि अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट ज़्यादा डाल दें या कोई और भी केमिकल आप ज़्यादा डाल दें, तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे स्किन में बर्निंग आ जाए, आपको स्किन को डैमेज हो जाए। तो सबसे सेफ तरीका यही है कि आप कुछ ना डालें, या अगर आपको डालना ही है तो आप डेटॉल के एक ढक्कन या आधा ढक्कन उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि थोड़ी उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आ जाए। इससे ज़्यादा तो मैं पर्सनली कोई आपको डालने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। सिड्स बाथ का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? तो एज सच कोई सिड्स बाथ का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिकॉज ये कोई दवाई नहीं है, आप अपने बॉडी के सिस्टम में कोई केमिकल या कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हाउ एवर, देर आर फ्यू कंडीशन जिसमें सिड्स बाथ आपको नहीं करनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जिसमें आपको सिड्स बाथ नहीं करनी चाहिए इज़ एब्सेस। एब्सेस यानी कि पस जमा हो जाना। तो अगर आपके एनल रीजन में किसी कारणवश एब्सेस यानी कि पस जमा हो गया है, कोई फोड़ी आ गई है, कोई फुंसी आ गई है, वहाँ पे आप अगर छूते हो तो आपको बहुत जलन होती है, दुखता है, या कोई पानी जैसा या कोई पस जैसा कोई डिस्चार्ज आ रहा है वहाँ से, तो आपको सिड्स बाथ अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। एट द सेम टाइम अगर ऐसा कोई पस वगैरह आ रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको यहाँ वहाँ की होम रेमेडीज़ और खुद के सेल्फ मेडिकेशन या दवाइयाँ खुद खरीदने में टाइम पास नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन बन सकती है, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
तो ये एक कंडीशन है जिसमें कि सिट्स बात करना रिकमेंडेड नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सिट्स बात नहीं करनी चाहिए? अगर करने के बाद आपकी तकलीफ बढ़ रही है, आपको फीवर आ रहा है, आपको पेन बढ़ गया है, आपको आराम मिलने की जगह तकलीफ बढ़ गई है, तो आपको सिट्स बात तुरंत ही रोक देनी चाहिए और जाके अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। आपको ये समझ जाना चाहिए कि सिट्स बात वाला ये ट्रीटमेंट अपने लिए काम नहीं कर रहा है। बट मेजॉरिटी केसेस, स्पेशली पाइल्स और फिशर के केसेस में सिट्स बात बहुत ही अच्छे से काम करता है। कुछ एडिशनल टिप्स या ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि सिट्स बात करते हुए अगर आप अपनी डाइट भी चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते थे या जंक फूड या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते थे, अगर आप उसको बंद करके हाई फाइबर न्यूट्रिशियस डाइट की तरफ आ जाएं, तो आपके फिशर के पाइल्स के तकलीफ में आपको ज़्यादा मदद होगी, कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा और जो आप सिट्स बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अनदर टिप और सजेशन दैट आई हैव इज दैट आप एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज शुरू कर दें, अपनी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ा दें, तो उससे आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आपका वजन तो कम होगा ही, जो कि इनडायरेक्टली आपके फिशर और पाइल से रिलेटेड होता है, एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम आपकी सिट्स बात जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है एंड आपको पूरी तरीके से उसका फ़ायदा मिल पाता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी स्मॉल थिंग जो कि लोग मिस कर देते हैं वो है डिहाइड्रेशन। लोग पानी कम पीते हैं स्पेशली गर्मियों में, एंड तब जब डिहाइड्रेशन के कारण कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है तो पाइल्स और फिशर की तकलीफ ज़्यादा होने लगती है। अपनी सिट्स बात के साथ अगर आप हाइड्रेशन भी अच्छे से रखेंगे, पानी भी अच्छे से पियेंगे, तो आपकी ज़्यादा मदद हो पाएगी। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप दुकान से जाके दवा ले रहे हैं, तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी दवा अनलेस आपको डॉक्टर बोले, और ऐसी बहुत कम दवाई हैं, कोई भी दवा आपको लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी होती है। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट से मिला हूँ जो कि क्रीमाफेन या कोई भी लैक्सेटिव है या कोई पाउडर है, वो एक बार लेना शुरू करते हैं, उनको आराम मिलता है, तो वो लाइफ लॉन्ग लेते ही रहते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, वो कोई भी टाइप की दवा हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, जो भी हो, बट अगर आपको लाइफ लॉन्ग दवा आप ले रहे हैं बिना किसी से पूछे, तो आप रिस्क उठा रहे हैं, और आपको ये रिस्क उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपना सही ट्रीटमेंट, सही डोज, कितने दिन लेना है, क्या करना है, ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिट्स बात जो है वो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के तकलीफ का, वो एक टेम्प्रेरी मेजर है जिससे कि आपको सिर्फ टाइम मिल सकता है। इन बीमारियों के परमानेंट इलाज क्या है वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। उसके बहुत सारे ऐसे अलग अलग इलाज हो सकते हैं, डिपेंडिंग की कौन सी कितनी ग्रेड है, कौन सा टाइप है, सीवियरिटी वगैरह, उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अगली बार। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि सिट्स बात आपका रामबाण उपाय नहीं है कि आपने एक बार कर लिया, तकलीफ ठीक हो गई तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। वो सिर्फ एक शॉर्टकट तरीका है आपको समय देने के लिए, जिसके बाद जाके आप सही ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से ले पाएं। ऑल्सो अगर पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी बीमारी एक स्टेज के आगे आ गई है, तो उसको ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत लग सकती है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात है कि पाइल्स फिशर तो बहुत ही सिंपल चीज़ है और घरगुती ट्रीटमेंट के तरीकों से ये ठीक हो जाएगी, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। ये भी सीरियस बीमारी का रूप ले सकते हैं, और इसके पहले कि आप पछताएं, आप जाके एक सही से डॉक्टर का ओपिनियन ले लीजिए और अपना ठीक से ट्रीटमेंट करवाइए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या अगर आपने कोई ऐसी ट्रीटमेंट या कोई आपने तरीका फॉलो किया हो जो मैंने मिस कर दिया है, जो मैं बता सकता हूँ बाकी लोगों को, तो बेशक आप उसके बारे में बताइए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू योर कमेंट्स। एज ऑलवेज, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।